दोस्तों यार आज का वीडियो तो आपको पूरा देखना ही चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रेजी करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। ये मेरा भाई जब से यहाँ बैठा बैठा शक्कर खा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में शक्कर का क्या काम है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम शक्कर से ही एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि शक्कर हम क्यों उपयोग में ला रहे हैं, क्योंकि शक्कर दोस्तों बहुत अच्छा फ्यूल होता है और ये जलती भी है। दोस्तों आप दीपावली के दिन छोटी छोटी नागिन की गोली लेकर तो आते ही होंगे जिसमें से छोटी छोटी नागिन निकलती है, मगर आज के वीडियो में हम उन छोटी छोटी नागिन के पीछे नहीं है, हम तो बड़ा एनाकोंडा निकालने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बड़ा स्नैक बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली जो चीज़ होने वाली है वो है हमारी शक्कर। शक्कर आपको थोड़ी ही लेनी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। और दूसरी जो चीज़ है वो हमारा बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, जो हमारी मम्मी खाने में डालती है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो हमारी शक्कर है उसको मिक्सी में पीस लेना है, इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो मैं हमारी जो शक्कर है उसको मिक्सी में पीस लेता हूँ, जल्दी से इस मिक्सी जार में डाल लेता हूँ और शक्कर को पीसने के लिए हम इस मिक्सी का यूज़ करेंगे। दोस्तों जो शक्कर का पाउडर है वो अच्छे से बारीक हो जाना चाहिए। आपको टेस्ट कर लेना है कि इसके अंदर कोई दाने ना बचे। तो मेरा जो पाउडर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, तो मैं इसको किसी एक बर्तन में निकाल लेता हूँ। दोस्तों सांप बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी हम वो सारे लेकर आ गए। हमने शक्कर को भी अच्छी तरीके से पीस लिया है। ये हमारा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा और ये है बालू रेत, और इसमें हमने भर रखा है केरोसिन, जिसे आप लोग घासलेट भी बोलते होंगे। तो सबसे पहला आपको एक मिश्रण बना लेना है। आपको 4 स्पून शुगर की लेनी है और इसमें एक बेकिंग सोडा, जो हमारा मीठा सोडा, उसकी 1 स्पून भरकर डाल देनी है और इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। दोस्तों इस पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो जो हमारा सांप है वो अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए 1 मिनट तक तो करें ही करें। पेस्ट मिक्स करने के बाद आपके पास जो भी फ्यूल अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पर केरोसिन है, तो मैं केरोसिन को हमारी जो सेंड है उसके ऊपर डाल देता हूँ। फ्यूल डालने के बाद दोस्तों आपको जो भी हमने अभी पेस्ट को तैयार किया है इसको इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा सा फ्यूल और डाल देता हूँ मैं साइड से, ताकि हमारी आग अच्छे से जल पाए। और अब इसके अंदर आग लगा देनी है। तो ठीक है भाई, तुम आग लगा दो, लाओ मुझे कैमरा दे दो। ठीक है, आग लगा कर दूर हो जाना। देखिए दोस्तों किस तरह से छोटे छोटे स्नैक तो बाहर आने लगे हैं। अभी हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा स्नैक देखने को मिले। ओ भाई देखो, आने लगे स्नैक्स बाहर। ओ भाई बड़ा कब बन गए वो। इधर से देखो भाई, इधर से देखो। स्नैक बाहर आता जा रहा है। तो भाई अब आना चालू हुआ सही से। तो देखो कितना बड़ा निकल के बाहर आ रहा है। ओसम यार,
दीपावली की गोली आती है उसमें तो बहुत छोटा सा निकल के आता है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया है मुझे तो। ओ भाई इसको जैसे जैसे मैं उठाता जा रहा हूँ ना ऐसे ऐसे ऊपर उठता जा रहा है। अरे गन्ने से गन्ने को तकलीफ से तगड़ा लग रहा है इसको मैं बुझाता हूँ बस। उस पे हीट नहीं लगती है ना इसलिए वो जल के बाहर नहीं आता है। गाइस यार हम परेशान हो गए हैं, देखिए जो हमने 4 चम्मच शक्कर डाली थी वो अभी तक चल रही है और आप देख सकते हैं स्नैक्स कितने ज्यादा निकल कर बाहर आ गए हैं। भाई अगला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे अगला नेक्स्ट ट्राई के अंदर सिर्फ मैं 1 ही चम्मच डालूंगा क्योंकि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने सोचा कि चलो करके ट्राई तो करते हैं, मैंने 4 चम्मच डाल दी जोश जोश में और उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। और यार ये कितना प्यारा लग रहा है, इसको लकड़ी से थोड़ा सा सीधा करो कितना निकले ही जा रहा है यार। ये देखो बहुत ही बड़ा बन गया है ना। ओ देखो मेरे ऊपर मत उड़ा देना। गाइस यार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, आप देखिए कितना बड़ा सांप, नहीं ये तो अजगर लग रहा है मुझे भाई साहब। इधर से देखो, इधर से बहुत अच्छे से दिखेगा, ये बहुत ही खतरनाक यार। भाई यार मैं एक बार रिकमेंड तो जरूर करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर एक बार तो ट्राई जरूर करें, देखिए किस तरह से बड़े बड़े सांप बाहर निकल के आ रहे हैं। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इस एक्सपेरिमेंट जो भी सामान लगते हैं वो आपके घर में उपलब्ध रहते हैं, तो एक ट्राई तो बनता है यार। इसको थोड़ा सा और ऊपर करो ना और बड़ा बन के आएगा, हल्का सा ऊपर उठाना। बहुत शानदार यार, अरे तुमने सांप को ही तोड़ दिया। कोई ना चलने दो, निकल ही जा रहा है वो तो। निकलने दो उसके हिसाब से निकलने दो यार, क्या कह रहे टूट रहा है तो होने दो होने दो। ये बुझेगा कब, मैं तो वो वेट कर रहा हूँ यार, इसके अंदर से निकले ही जा रहे हैं। सिर्फ 4 चम्मच शक्कर तो डाली थी भाई। अरे यार ये भी हमारे मजे लेने लग गए हैं गाइस। अबे बुझ जा, कब तक चलेगा और ये। दोस्तों इस वीडियो में तो मैं ये ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि यार इसको बुझने में ही बहुत टाइम हो गया है, मगर अगर हम इतने सॉल्यूशन से एक स्नैक बनाते हैं तो मेरे हिसाब से वो तो किसी लकड़ी का जो तना होता है इतना मोटा भी हो सकता है, इतना मोटा स्नैक देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा।